बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुंदर कुमार सोनेवाल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। एक सप्ताह पहले ही सोनेवाल भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस संबंध में सुंदर सोनेवाल ने कहा कि वह बहककर भाजपा में चले गए थे, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव में दलों के कार्यकर्ताओं का एक दूसरे दलों में आने जाने का सिलसिला यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा, मेरी सदस्यता अभी तक केवल बहुजन समाज पार्टी में थी। मैंने कहीं अन्य पार्टी में सदस्यता नहीं की है। मैं चंद्रराम दास जी के कारण से प्रभावित होकर, उनके बोलने और उनकी शैली से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। मैं उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार को, उनकी पत्नी को वोट दे करके, उनको जिता करके उनके परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मुझे यह जो बाकी की जनता चाह रही है, सारी जनता ये चाह रही है कि इस बार कांग्रेस जीते यहाँ से। मैं थोड़ा भाग गया था, भगाया गया मुझे, और इसके बाद मेरे को फिर पता लगा, सब लोग मेरे से नाराज़ होने लगे, मेरे चाहने वाले भी, मेरे परिवार के लोग भी। तो फिर मैंने कहा कि यह मैं गलत कर बैठा हूँ, मैं फिर से वापस बसंत जी के समर्थन में आ गया। मैंने भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सीजीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।